आज हमने फर्न प्लांट्स के मुतालिक जानने की कोशिश की। यूँ तो फर्न की कई अकसाम हैं, इस नर्सरी में मौजूद फर्न के हवाले से कुछ सवालात किए जिसका तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमशेद। आज हम सरजानी टाउन की एक और नर्सरी में मौजूद हैं और आज हम फर्न के हवाले से मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम साहब, ये फर्न की केयर किस तरीके से की जाती है? इनको जब इनमें से रेसे छोड़ देती है ना, फर्न रेसे छोड़ देती है, उसको जुदा जुदा अलहदा अलहदा करके एक में से दो तीन चार बना लूँ जितना भी उसका ताकत अच्छी हो। नहीं तो इसमें वाटरिंग कैसे करते हैं, पानी कैसे डालते हैं इसमें? पानी तो फारे से डालते हैं, जाली वाले। क्या ज़्यादा पानी डालते हैं, कम डालते हैं, सर्दियों में कैसे पानी डालते हैं? गीला रहना चाहिए बस, जब ज़्यादा पानी है तो कम, एक दिन नागा कर दो और कम है तो रोज़ के रोज़ दो। तो फिर इसमें आप ये बताएं कि गीला यानी सर्दियों में कम पानी डालते हैं, गर्मियों में ज़्यादा डालते हैं? सर्दियों में कम पानी डालते हैं। कम डालते हैं पानी और इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं ग्रो करने के लिए? वो खाद डालते हैं और कोई चीज़ नहीं डालते, खाद के अलावा और कोई नहीं, यूरिया नहीं डालेंगे मर जाएगा। कौन सी खाद डालते हैं इसमें? गोबर की, पुरानी गोबर की खाद डालते हैं। और इसकी मट्टी वगैरह किस तरीके से तैयार करते हैं? तीन इसमें आधी मिट्टी और आधा खाद। आधी मिट्टी और आधा खाद, 50-50। इसमें ओजड़ी की खाद इस्तेमाल नहीं करते? दूसरी चीज़ों में की जाती है जो कि आर्जी तौर से जो होते हैं ना, जैसे साल भर में 6 महीने में पौधा रहता है उसके, और ये तो 12 महीने रहती है। नहीं तो इसमें क्यों इस्तेमाल नहीं करते, कोई इससे नुकसान होता है? वो भी इस्तेमाल करते हैं और खाद भी, ओजड़ी भी इस्तेमाल करते हैं, वो खाद भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर परमानेंट प्लांट में हम ओजड़ी की खाद डालते हैं और अगर गोबर की नहीं डालते हैं तो इससे क्या नुकसान होंगे? ओजड़ी हल ताकत कम होती है, इसमें ज़्यादा ताकत होती है। ये परमानेंट जो पौधा होता है वो ये अच्छा होता है, ताकतवर होता है, और ओजड़ी जो है कच्चा होता है तो वो जो कम वक्त लेता है पौधा उसमें डालते हैं उसको ताकि उसको फ़ायदा पहुँचे। तो इसमें ये नुकसान होता है अगर ओजड़ी की खाद डालें? कम बढ़ेगा ये इस टाइप का कोई? नहीं, वो तो मिट्टी ज़्यादा होगी तो ये कम ताकत होगी, मिट्टी और खाद दोनों बराबर होंगे तो सही होगा। नहीं, आप कह रहे हैं परमानेंट में गोबर की खाद डालती है और ओजड़ी की खाद? ओजड़ी में ये फ्लावर्स जो होते हैं ना, फ्लावर्स जो 6 महीने का होता है, साल का होता है, उसमें उसके लिए अच्छा होता है, और ये तो परमानेंट है। परमानेंट जितने जो पौधे होते हैं उसमें गोबर का खाद देते हैं, लेकिन वो पुराना खाद देते हैं पुराना। नहीं, अगर इसमें ओजड़ी की खाद इस्तेमाल की जाए? हाँ तो परवाह नहीं उसकी। नहीं तो ये ग्रोथ कम करेगा, बढ़ेगा कम? नहीं, बढ़ने में तो कोई कमी रखेगा, दोनों एक ही जैसे बढ़ेंगे। इसमें फर्टिलाइजर वगैरह क्या डालते हैं? नहीं डालते हैं सर, ओजड़ी का खाद और गोबर खाद दो ही चीज़ इस्तेमाल करते हैं। दो ही चीज़ इस्तेमाल वो फसल में करते हैं, यूरिया फर्टिलाइजर वो जितना जो उसमें। तो इसमें DAP वगैरह नहीं डालते? नहीं। इसके बढ़ने का सीज़न कौन सा है? मार्च से लेके ने और 8वां महीने तक खूब बढ़ती है ये, सर्दियों में कम चलती है। बोले तो जो बढ़ने का सीज़न होता है, बढ़ने के सीज़न में क्या वाटरिंग ज़्यादा करते हैं? गर्मियों में ज़्यादा चलते वाटरिंग ज़्यादा करते हैं, उसमें पानी ज़्यादा डालते हैं? पानी ज़्यादा डालते हैं और इसको उल्टा सुलटा जो बदला सदली करना हो तो इसी टाइम पर करते हैं। तो इसमें जो अच्छा, इसको लगाने का क्या तरीका होता है? लगाने के इसमें से कल्टी करो, दो तीन हिस्से बनाओ उसके अलग 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 बदली करो अलग अलग गमले में। नहीं, अगर इसके पौधे बढ़ाना चाहें? हाँ वो जी कह रहे हैं उनको, एक गमला कल्टी करेंगे ना, वो चीर चीर के और चार हिस्से कर दो, एक के चार गमले बन जाएंगे। जब चार हिस्से बना देते हैं तो पानी किस रेशे से डालते हैं उसको? 15 दिन तो रोज़ देना पड़ेगा हल्का हल्का सा, और बाकी जो सर्दी है तो फिर एक दिन छोड़ के दें, गर्मी है तो रोज़ दें। तो इसमें स्टार्टिंग में पानी ज़्यादा डालते हैं? जब कलम अलग करते हैं ज़्यादा डालते हैं, ज़्यादा डालते हैं। इसको अलग अलग करने का सीज़न कौन सा? मार्च में, मार्च अप्रैल। और अगर इसको हम दूसरे सीज़न में अलग कर दें तो इसमें पौधे डैमेज होते हैं या कुछ? कमज़ोर हो जाएंगे, मरेगा कोई भी नहीं। तो इसमें और महीने में भी अलग कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। इसको धूप में रखते हैं कि साए में? साए में। और अगर धूप में रखें तो? धूप भी मिले तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम मिलनी चाहिए। तो धूप से इसको क्या नुकसान होते हैं? थोड़ा पत्ते पीले पड़ जाते हैं, जल जाते हैं जो धूप तेज़ आ होती। धूप तेज़ आने से? हाँ। तो उसमें क्या पानी का रेशो वही होता है धूप में रखते हैं? पानी का तो रेशो वही होता है, लेकिन धूप से एक पत्ते थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं। और इसको इंडोर रख सकते हैं? हाँ, इंडोर में, अंदर मकान में भी रख सकते हैं। तो ख़राब नहीं होगा उससे? ख़राब तो होगा, लेकिन उसमें एक 1-20 दिन के बाद फिर धूप में ले आए, छाया में हवा ले गए खुली, फिर दूसरा रखें, डबल डबल पौधा रखते हैं उसमें।
और उसको चेंज कौन से सीज़न में कर सकते हैं जी? मार्च में और आपको अल्लाह ने की देवे या मई जून में तक बनाएं आप, फिर बंद कर दें आप। साल में एक दो दफ़े लगाना पड़ता है। आपका कितना तजर्बा है इसमें भाई? उम्र गुजर गई इसलिए, हम तो बचपन से यही काम कर रहे हैं। नहीं तो आपका इसमें कोई जाती एक्सपीरियंस है तो इसे शेयर करें। नहीं हम जाती तो हमारे पास कोई नहीं, भाई मोटा मोटा काम करते हैं बस। इसमें कोई केमिकल वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह नहीं डालते? नहीं पड़ेगा, फर्टिलाइजर नहीं डालेगा ग्रो वगैरह के लिए आप? नहीं कुछ नहीं। और ये फूल देते हैं? फूल नहीं, ये फूल कहाँ देगी? फरन फूल नहीं देती, इसमें बहुत सारी वेराइटी होती है लेकिन फल फूल नहीं देगी, और बहुत सारी चीज़ें देती है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।